हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू टेस्टी कोडीज। मेरा नाम है आशीष और आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टाइल बाइंडिंग के बारे में। बेसिकली पिछले वीडियो में हमने कवर किया था क्लास बाइंडिंग और उससे पहले कवर किया था इवेंट बाइंडिंग। तो इन दोनों बाइंडिंग के बारे में अगर आपने नहीं देखा है तो आपको प्लीज़ आई बटन पर मिल जाएगा, देख लीजिए तब इस वीडियो को देखिए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप लेकर चल रहा हूँ। हो सकता है कोई वीडियो मिस कर जाओ आप, बाद में आपको चीज़ समझ में ना आए, तो इससे बेटर ये है कि आप देखते चलो। और ये सारी चीज़ें मैं आने वाले प्रोजेक्ट के प्रस्पेक्टिव से बता रहा हूँ, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि एक एक वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, जिससे कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं अपने प्रोजेक्ट को ब्राउज़र पे रन किया हूँ, आप देख लीजिए एंगुलर 14 ट्यूटोरियल स्टाइल बाइंडिंग। ठीक है, और स्टाइल बाइंडिंग में बेसिकली सबसे पहले हम बात करेंगे स्टाइल को कैसे बाइंड किया जाता है। तो यहाँ दो फाइलें ओपन हैं, एक ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल है, एक ऐप कंपोनेंट डॉट टी एस है। ठीक है, तो ऐप कंपोनेंट डॉट एच टी एम एल में मैं यहाँ पे सिंपली एक एलिमेंट लेता हूँ, पैराग्राफ एलिमेंट, और पैराग्राफ एलिमेंट में मैं सिंपली टाइप करता हूँ दिस इज नॉर्मल स्टाइल बाइंडिंग। बेसिकली ये बाइंडिंग बेसिकली बहुत नॉर्मल तरीके से मैं कर रहा हूँ, एक एक स्टेप तरीके से बताऊंगा, वही पॉइंट बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट और नेसेसरी है आने वाले प्रोजेक्ट में, अननेसेसरी चीज़ें नहीं बताऊंगा, बताने के तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम आते हैं, इसका आउटपुट एक बार देखते हैं। तो अभी ये देखो, इस पर हमने कोई स्टाइलिंग नहीं परफॉर्म की है, तो नॉर्मल एज ए पैराग्राफ टेक्स्ट दिख रहा है। तो यहाँ पर हम बाइंड करेंगे नॉर्मल बाइंडिंग। तो यहाँ पर सिंपली हमें करना क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आपको यूज़ करना है स्टाइल। आफ्टर दैट यहाँ पर आपको जो भी कलर ज़रूरत हो वो कलर टाइप करना है। सपोज मुझे ब्लू सही अच्छा लगता है तो मैं ब्लू लिख दिया, एंड स्टाइल के साथ साथ डॉट कलर, यहाँ ये इसका एट्रीब्यूट वर्क कर रहा है। ठीक है, एज एट्रीब्यूट वर्क कर रहा है इस बाइंडिंग का। तो इतना लिख के जैसे ही सेव करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका पैराग्राफ ब्लू कलर से आ गया। ठीक है, इसी तरीके से हम और भी तरीके से बाइंडिंग करते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड बाइंडिंग करते हैं, मल्टी सिलेक्शन बाइंडिंग करते हैं, तो इस तरीके और कंडीशन बेस्ड बाइंडिंग करते हैं। तो चलो सबसे पहले अब स्टैंडर्ड बाइंडिंग देखते हैं। तो इसको हम सिंपली कॉपी करेंगे और यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे। और अब ये जो मैंने हार्ड कोडेड यहाँ पे लिखा है ब्लू कलर ब्लू, इसको हटा देता हूँ और अपने टाइप स्क्रिप्ट पे आ जाता हूँ और यहाँ सिंपली टाइप करता हूँ टेक्स्ट कलर इज इक्वल टू ग्रीन। सो सिंपली यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कलर इज इक्वल टू ग्रीन लिखा और सेव कर दिया। ठीक है, अब इस वैल्यू को सिंपली यहाँ से कॉपी करूँगा, कॉपी करने के बाद इस हार्ड कोडेड कलर की जगह पे मैं पेस्ट कर दूँगा, पेस्ट करने के बाद सेव कर देता हूँ। अब देखो आउटपुट ये इसका ग्रीन कलर से आ गया, दिस इज़ नॉर्मल बाइंडिंग ये भी लिखा है, तो इसको थोड़ा सा लिख देता हूँ स्टैंडर्ड या डायनेमिक स्टाइल बाइंडिंग लिख देता हूँ डायनेमिक, क्योंकि ये डायनेमिकली इसकी वैल्यू आ रही है। ग्रीन कलर मैंने डिफाइन किया है टी एस में और यहाँ पर हम बाइंड कर रहे हैं अपने एच टी एम एल पे। अब बात आती है मल्टी सिलेक्शन बाइंडिंग की। तो मल्टी सिलेक्शन बाइंडिंग बेसिकली इसमें कई सारे प्रॉपर्टी अंदर रहते हैं, तो चलो इसको भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने सिंपली कॉपी एंड पेस्ट किया और यहाँ देता हूँ मल्टी सिलेक्शन स्टाइल बाइंडिंग। और यहाँ पर आपको इसके एट्रीब्यूट देने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको आप हटा सकते हैं। इसको मैं सेव कर लेता हूँ स्टाइल के साथ साथ, और इस चीज़ को भी मैं हटाता हूँ अभी, क्योंकि इसके लिए दूसरी वैल्यू हम डिफाइन करेंगे एज ए ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं देता हूँ मल्टी सिलेक्शन इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहाँ पर हम वैल्यू पास करेंगे। वैल्यू कौन कौन से, दो तीन वैल्यू पास करेंगे। सपोज सबसे पहले मैं देता हूँ कलर, और कलर की वैल्यू होनी चाहिए यहाँ पर रेड, अगेन कॉमा करेंगे, उसके बाद यहाँ देंगे हम टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन पे मैं देने वाला हूँ अंडरलाइन, और उसके बाद यहाँ पे मैं देता हूँ फॉन्ट वेट डब्ल्यू ई आई जी एच टी, फॉन्ट वेट में मैं देता हूँ बोल्ड। सो बेसिकली इसकी तीन प्रॉपर्टी देता हूँ और देखता हूँ कौन कौन सी प्रॉपर्टी इस पर वर्क करती है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सी एस एस पे कुछ प्रॉपर्टी वर्क नहीं करती। तो अब इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इस पे पेस्ट कर देता हूँ और सेव करके चेक करता हूँ किसमें से कौन कौन सी वैल्यू की प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो यहाँ पर सारे वैल्यू की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है, देखो
यहाँ पे सबसे पहले रेड कलर हुआ है, उसके बाद अंडरलाइन भी हुआ है, और फॉन्ट बाकी फॉन्ट से ज़्यादा या थिक है, इसका मतलब बोल्ड है, ठीक है। तो इन तीन तरीके से हम बाइंडिंग करते हैं, और एक फाइनल एक बाइंडिंग और बचा है, कंडीशन बेस्ड बाइंडिंग। तो कंडीशन बेस्ड बाइंडिंग का बेसिकली वर्क ये होता है, मैं सिंपली इसको कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट करता हूँ, और यहाँ पर अगेन मैं डॉट कलर अप्लाई करता हूँ। डॉट कलर बेसिकली इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ, थोड़ा कंडीशन इसमें रहेगा, और मैं देता हूँ हैश एरर, और इसको मैं रखता हूँ बुलियन टाइप का, इज इक्वल टू फॉल्स कर दिया। तो अब ये बुलियन टाइप का बन गया, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ सिंपली, और यहाँ टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करता हूँ। टर्नरी ऑपरेटर आप लोग जानते होंगे अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो, क्योंकि टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली इफ एल्स के कंडीशन की तरह ही वर्क करता है। तो मैं यहाँ पे देता हूँ, अगर हमारा हैज़ एरर ट्रू रहा तो हमें रेड कलर प्रिंट कर दो, नहीं तो हमें फॉल्स कलर प्रिंट करो, ग्रीन कलर प्रिंट करो। तो यहाँ पे दो चीज़ मैंने कंडीशन पे डाल दिया, यहाँ दे देता हूँ कंडीशन, ठीक है, दिस इज़ कंडीशन स्टाइल। सेव करके चेक करता हूँ क्या इसका आउटपुट आ रहा है, तो देखो अभी ये ग्रीन कलर कर रहा है क्योंकि ये हमारी वैल्यू फॉल्स है। तो फॉल्स के केस में क्या होगा कि ग्रीन कलर आएगा। मैंने एक कोड में लिखा है कि हैश एरर अगर ट्रू रहेगा तो रेड आएगा, अगर फॉल्स रहा तो ग्रीन आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमने फॉल्स डिफाइन किया है, तो चलो इसको हम ट्रू करके देखते हैं कि क्या रेड होता है। तो यहाँ पर हम ट्रू कर दिए और ट्रू करके सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद चेक करते हैं कि ये ट्रू हुआ है कि नहीं, और यहाँ पर आते हैं, देखो अब ये रेड कलर से हो गया। तो इस तरीके से हम स्टाइल बाइंडिंग करते हैं। बेसिकली इस पूरे बाइंडिंग में, स्टाइल बाइंडिंग में मैंने चार तरीके के बाइंडिंग को आपको बताया हूँ। सबसे पहले नॉर्मल स्टाइल बाइंडिंग, दूसरा डायनेमिक स्टाइल बाइंडिंग, तीसरा मल्टी सिलेक्शन स्टाइल बाइंडिंग, और चौथा कंडीशन बेस्ड स्टाइल बाइंडिंग। तो ये चारों बाइंडिंग बेसिकली यूज़ होने वाले हैं आने वाले प्रोजेक्ट में, या कहीं भी जाओगे तो आपको प्रोजेक्ट में यूज होंगे। तो इसको कम्प्लीटली देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टू वे बाइंडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग।